हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज हम वापस वही HSC बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आज हम लेके आए कौन सा आपका लेसन नंबर 3B का आंसर है। ये राइट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट, सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था। इलास्टिसिटी मीनिंग और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन डिमांड विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। नाउ मतलब क्या कि हाउ मच डिमांड इज चेंजिंग विथ द चेंज इन प्राइस या चेंज इन इनकम इज कॉल्ड योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ने क्या दिखाया था कि विद द राइज इन प्राइस द डिमांड गेट्स फॉल एंड विद द फॉल इन प्राइस डिमांड गेट राइज। हाउ मच वो नहीं बताया था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज शोड अस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर। है ना, कंज्यूमर का कितना रिस्पॉन्स है किस बारे में? विद द चेंज इन प्राइस या चेंज इन इनकम विथ रेफरेंस टू डिमांड। मतलब हमारी डिमांड कितनी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ प्राइस चेंजिंग या इनकम चेंजिंग। इट इज कॉल्ड योर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब चेंज, राइट, चेंज इन डिमांड। नाउ देखते फ्रेंड्स के टाइप्स कितने। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में भी, लास्ट दो वीडियो अगर आप देखोगे तो दोनों वीडियो में मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे तरह से समझाया है। तो आप वापस वो वीडियो एक बार देख लेना और ये जो टाइप्स है वहां से आपको रिफर हो जाएगा। तो वापस एक बार खाली क्विक रिपीट कर लेते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर हम दूसरा करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। That is ratio of proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price. Or you can say percentage change in quantity demanded to percentage change in price. Symbolically कैसे दिखाओगे? Delta Q upon delta P into P upon Q. Delta मतलब change in quantity to the change in income upon price into quantity. वापिस आपको एक numerical लिखना है जो आपको अगर नहीं याद है तो आप वापिस last video में repeat करके आप देख लीजिए। उसके बाद आप लिखोगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टाइप्स का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में किया है। 5 टाइप्स है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मीनिंग आपकी डिमांड नहीं चेंज होती, जो भी प्राइस हो, प्राइस राइज हो या फॉल हो जाए, डिमांड रिमेन सेम। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? 50% फॉल इन प्राइस, 50% राइज इन डिमांड, बोथ आर इक्वल। एंड हाउ इज इट कॉल्ड? रेक्टेंगुलर हाइपरबोली इज योर कर्व। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, आपका कर्व फ्लैटर रहेगा, मीनिंग आपकी जो डिमांड है इट चेंजेस या इट राइजेस मोर कंपेयर टू प्राइस। डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है प्राइस के हिसाब से। मतलब 50% फॉल इन प्राइस, 75% राइज इन डिमांड, डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड यू कैन राइट इट डाउन हियर। ये तो यहाँ पर आप लिख दे सकते हैं इन्फिनिटी, यहाँ पर आपका आ जाएगा इट इज जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, यहाँ पर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। कौन सा होगा? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मीनिंग विद द फॉल इन प्राइस, आपकी प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है बट डिमांड इज राइजिंग लिटिल ओनली या लेस ओनली कंपेयर टू प्राइस। प्राइस से आपकी डिमांड कम चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। फ्रेंड्स वापिस याद करा दूं, ये सबके डायग्राम ड्रॉ करना है और ये पूरा का पूरा जो आंसर है हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। चाहिए तो आप वापिस उसको रिपीट करके देख ले। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड टाइप, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? योर डिमांड चेंजेस विथ रेफरेंस टू चेंज इन योर इनकम। आपकी इनकम चेंज होती है आपकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। इनकम इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट। मीनिंग व्हाट? आपकी इनकम चेंज हो गई पर अदर फैक्टर्स मीनिंग आपके टेस्ट, हैबिट, लाइक्स, डिसलाइक्स, फैशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट, इंक्लूडिंग प्राइस भी कॉन्स्टेंट है और आपकी क्या राइज हो रहा है? इनकम बढ़ रही है। देखो सपोज से एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सपोज इफ यू लाइक्ड टू बाय द और इफ यू आर गोइंग टू बाय सम योर जीन्स या टी शर्ट, राइट, आपको एरो का जैसे टी शर्ट लेना है,
तो आप जब टी शर्ट लेने जा रहे हो तो आपने देखा कि भाई द टी शर्ट वॉट एवर यू आर बाइंग इज ऑफ गुड क्वालिटी और आपको वही लेना है, बट प्राइस इज वॉट से अराउंड 3,000 रुपीज। फिर आप आपके इनकम देखोगे, अगर आपकी इनकम 20,000 के आसपास है तो आप सोचोगे यार 3,000 इज वेरी मच, है ना, वी विल वेट फॉर द डिस्काउंट। हाँ, बट अगर आपकी इनकम इज अराउंड 75 to 1 lakh rupees तो क्या होगा, यू विल नॉट वेट फॉर चेंज इन प्राइस, आप इमीडिएटली बाय कर लोगे। क्यों? बिकॉज योर इनकम इज गुड इनफ। सो आपकी इनकम चेंज होती है तो आपकी डिमांड भी चेंज होती है, बट वॉट यू हैव टू अज्यूम दैट अदर फैक्टर्स, आपके जो टेस्ट हैबिट है एंड प्राइस, ऑल आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। सो इट इज अ वॉट इज अ फॉर्मूला या वॉट इज अ मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, आप क्या लिखोगे, इट इज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रेफरेंस टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। सो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, लिखो या परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। आपकी क्या चेंज हो रही है, इनकम चेंज हो रही है इसलिए आपकी डिमांड चेंज हो रही है। पहले कम इनकम थी तो यू आर थिंकिंग कि मैं बाय करूं या ना करूं, परचेस करूं या ना करूं, बट जब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो आपने क्या किया, इमीडिएटली आर बाइंग। सो दैट इज व्हाई योर डिमांड ऑल्सो गेट चेंजेस, राइट। हाउ कैन यू शो सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली आप कैसे दिखाओगे, जैसे हमने प्राइस को दिखाया था, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी टू द चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, राइट। यू कैन शो सिंबॉलिकली, चाहिए तो आप एक न्यूमेरिकल्स भी दे सकते हो अगर आपको लगता है, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट डाउन द इनकम इज वेरिएबल एंड आप अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट, इट इज इन रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम, वो लिखने के बाद आप ये सिंबॉलिकली लिखोगे एंड देन यू आर गोइंग टू राइट डेल्टा क्यू मीनिंग चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा वाई मीनिंग चेंज इन इनकम, वाई मीनिंग ओरिजिनल इनकम एंड क्यू मीनिंग ओरिजिनल क्वांटिटी, राइट, डिमांडेड। ओके, नाउ वी हैव गॉट थ्री टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। वन इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेक्स्ट इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। आपको जस्ट उसके बारे में एक एक सेंटेंस लिखना है, दैट्स इट। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, व्हाट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी फॉर योर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब क्या, विच वी प्रिफर टू बाय इन अ डे टू डे लाइफ, नॉर्मल गुड्स लाइक से एप्पल। इफ योर इनकम इज राइजिंग यू विल कैन एफर्ड टू बाय एप्पल इवन एट्स अ 300 या 400 रुपीज अ केजी, है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो 400 रुपए केजी भी एप्पल रहेगा तो आप ले लोगे, क्योंकि भाई इनकम इज राइजिंग, नॉर्मल गुड्स है। So for a normal goods, positive income elasticity, your income elasticity is always positive. Meaning, as your income rises, you demand more normal goods. अब ज़्यादा demand करोगे normal goods, तो आपको just इतना ही लिखना है कि when your income rises, the demand for normal goods is rising. Both are rising. Direct relationship. Rise in income, rising demand for normal goods. फिर है negative income elasticity. Now what is negative income elasticity? With a rise in income, we demand less. आप बोलोगे ऐसे कैसे? Yes, inferior goods. राइट, या गिफ्टन गुड्स जो हमने लास्ट वीडियो में देख, अब चाहिए तो वापस देख लेना, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था गिफ्टन गुड्स या इंफीरियर गुड्स, चीप क्वालिटी गुड्स, है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अच्छी इनकम हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप माइट बी सीसीडी में, राइट, तो सीसीडी में या स्टारबक्स में जाके आप कॉफी पीना पसंद करोगे, क्यों भाई, आपकी इनकम ज्यादा है। और आप जब कॉफी कोई छोटी सी होटल में पीने जा रहे हो तो आप सोचे यार ये तो चीप क्वालिटी, या रास्ते पर आपने चाय पी ली, आप बोले कि इट इज अ चीप क्वालिटी, क्यों भाई, आपकी इनकम बढ़ रही है तो यू विल ट्राई टू गो एंड एंजॉय योर लाइफ इन अ बेटर पोजिशन, है, आप अच्छी कोई जगह पे जाके टी या कॉफी पीना पसंद करोगे, तो आपके लिए वो चीज क्या हो जाएगी, इंफीरियर क्वालिटी हो जाएगी। से अनदर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम अच्छी से बढ़ रही है तो व्हाट यू विल प्रीफर टू बाय, ब्रांडेड टी शर्ट एंड योर जीन्स एंड ट्राउजर्स एंड ड्रेस। तो आप जो भी चीप क्वालिटी के या जो सस्ते में मिले, आप लोगों को अरे यार ये तो चीप क्वालिटी का है, वी डोंट वांट टू बाय, वो इंफीरियर है। सो
When your income is rising, there is a negative income elasticity of demand. When and for which goods? It's for a cheaper goods या से given goods. आप लिखोगे inferior लिख दो, cheap लिखो या given goods. Inferior goods. For inferior goods, your income elasticity is always negative. Meaning, with a rise in income, you will demand less your inferior goods. Cheap quality goods आप less करो, demand करोगे. Zero income elasticity. What is zero income elasticity? With the rise or fall in income, your demand remains same. कौन सी चीज के लिए? Anybody can guess? Yes. Your salt, matchsticks, या broom, झाड़ू. आप झाड़ू ले लो, salt ले लो या matchstick, दिया सलाए. आपकी income कितनी भी ज्यादा हो या कम हो, आपके घर पे उतना ही आने वाले जितना चाहिए, है ना? ज्यादा income आने से आपके घर पे क्या बहुत सारे झाड़ू नहीं आ जाएंगे, broom नहीं आ जाएंगे या salt आप नहीं लेके आओगे. So, for a zero income elasticity, meaning what? All the, even though the rise in income, the demand for certain goods does not rise. Example क्या लोगे आप? Say salt, या say matchstick. So, demand for salt and matchstick, etc. is with zero income elasticity. Friends, you are going to write all the things in a properly. मीनिंग लिख दो, सिंबॉलिकली फॉर्मूला लिख के सिंबॉलिकली लिखो. यू कैन चाहिए तो उसका एक आप न्यूमेरिकल भी दे सकते हो. उसके बाद आप लिखोगे पॉजिटिव इनकम, नेगेटिव इनकम एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी. अगेन अनदर थिंग ऑल्सो, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इवन दे कैन आस्क इन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव जो आपके 20 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम आते हैं उसमें भी वो आ सकता है. तो इसके लिए भी दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ये ध्यान रखना है. क्या रखोगे? नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, इन्फीरियर गुड्स के लिए इट इज नेगेटिव, एंड फॉर सॉल्ट एंड मैस्टिक कितने भी आपकी इनकम राइज या फॉल हो जाए आपकी डिमांड सेम ही रहेगी. हेंस इट इज कॉल्ड जीरो इनकम इलास्टिसिटी. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इज ऑफ योर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.